सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, कुछ गैप के बाद वापस लौटे अपने चैनल पर। तो गाइस, बीच में क्यों नहीं व्लॉग आ रहे थे, रक्षाबंधन का भी था भाई, वो अपने डिलीट कर दिया था भाई। डिलीट क्यों कर दिया था भाई, ऐसा हुआ था रक्षाबंधन से अगले दिन ही भाई अपने बहुत बुरी खबर मिली भाई हमें कि हमारे जो भाई प्रधान जी, हमारे जो प्रिंस गुज्जर भाई थे, आपने देखा होगा हमारे पिछले ब्लॉग में भी भाई, वो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। एकदम अचानक, ना किसी को कुछ बताया ना कुछ भाई, कुछ नहीं, बस अचानक भाई चले गए भाई, नहीं है बीच में। तो बहुत दुख होता भाई, इसी वजह से बीच में बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह नहीं, कुछ जो था रक्षाबंधन का बना हुआ भाई वो डिलीट कर देता मैंने, क्योंकि मन यार बहुत टूट चुका था। अब ठीक है, पहले से यार खुद को समझाया, यार यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि ऐसा कुछ भी हो गया यार हमारे साथ, हमारे 24 घंटे साथ रहने वाला यार, मौज मस्ती लेने वाला बंदा, चिलफन लेने वाला बंदा यार, ऐसा अचानक से साथ चला छोड़ के चला जाएगा तो भाई नहीं उम्मीद करी थी कभी। तो चलो भाई, गाड़ी के यार पीडीआई के लिए फ़ोन आ रहे हैं शोरूम से। तो जैसे कि आप लोगों से कहा था भाई कि डिलीवरी के टाइम आपको दिखाएंगे कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। तो भाई काम है, काम तो नहीं छूटते, काम तो करने पड़ते हैं भाई। जाने वाला तो भाई चला जाता, उसके पीछे बस उसके चाहने वाले भाई रोते हैं, यादों में रोते रहते हैं बस। तो काम करने पड़ते हैं यार, काम तो नहीं रोक सकते। तो चलिए चलते हैं भाई, गाड़ी की पीडे करते हैं और लेते हैं फिर डिलीवरी गाड़ी की, और आपको दिखाते हैं भाई कौन सी गाड़ी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, चलिए चलते हैं भाई। भाई डिलीवरी के टाइम तो यार बहुत कुछ सोचा हुआ था भाई, बहुत कुछ प्लानिंग थी भाई, क्योंकि आपके भाई के जन्मदिन पे ही भाई गाड़ी की डिलीवरी थी। तो भाई ऐसा सोचा हुआ था कि यार सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, जो मतलब अपना ग्रुप है भाई 6-7 जनों का, तो साथ चल के यार गाड़ी लेके आते, साथ में डिलीवरी लेते, बढ़िया घूमते, बढ़िया अपना सेलिब्रेशन करते यार। लेकिन लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है यार, कुछ नहीं पता यार किस टाइम पे, यार अगले 1 मिनट बाद, अगले 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, भाई कुछ नहीं पता लाइफ पर कब कहाँ क्या हो जाए। समझो यार, आपके भी कभी अगर सुसाइड का यार कभी ख्याल आया ना यार, तो आपके जो चाहने वाले हैं, आपके पीछे जो आपके घर वाले हैं यार, उनके बारे में एक बार जरूर सोच लेना भाई। बहुत दुख होता भाई, नहीं रहा जाता बिल्कुल भी यार। रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से हाथ जोड़ के भाई, जो आपके पीछे लोग हैं ना चाहने वाले भाई, उनके लिए सोच लेना, उनके बारे में सोच लेना, क्योंकि जाने वाला भाई चला जाता, उसका वो हालत जो बिगड़ते भाई, उसके पीछे जो है लोग उनकी ख़राब होती है। तो चलो चलते हैं भाई। काम तो करने पड़ेंगे भाई, चलिए भाई चलते हैं। तो भाई गाड़ी की पीड़ाई करके निकल चुके हैं, शोरूम से आ चुके हैं। तो गाड़ी यार नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है, भगवान करे नज़र ना लगे। तो ये तो आपको पूरी गाड़ी देखने को भाई मिलेगी, हम जब डिलीवरी लेंगे उस टाइम तो दिखाते हैं डिलीवरी के दिन, डिलीवरी कल, परसों, उसके अगले दिन कभी भी हो सकती है, वो आप देखिए। चलते हैं भाई, अभी 2-4 काम है वो भाई रुके हुए, मैं वो निपटाते हैं, क्योंकि यार एक तो यार जो बिल्कुल खास दोस्त, बिल्कुल मतलब जो हमारे यार बिल्कुल जो भाई हम 6-7 जने भाई ऐसे हैं, बिल्कुल मतलब यारी दोस्ती बिल्कुल भाई हैं भाई, बिल्कुल घर से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के भाई, खूब एक दूसरे के घर पे आना जाना, मतलब जो रहता है ना भाई कि हमारी एक 7 जनों की जो हमारे दोस्त हैं, वो हमारी एक फैमिली है भाई, वो परिवार है एक। तो
ये नहीं माना कभी है कि ऐसा यार ये वो, भाई वाली यार, भाई वाली यार ये दोस्ती है। तो उसमें भाई जो हमारे प्रधान जी है, जिसे हम प्यार से प्रधान जी कहते थे, प्रिंस, तो भाई वो अभी मतलब अब हमारे बीच नहीं है। बहुत दुख की बात है भाई, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। कभी उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई ऐसे ऐसे कि मतलब इतनी जल्दी प्रधान जी हमारे साथ छोड़ जाएंगे। तो कोई बात नहीं भाई, समय है, समय लिखा था उनका इतनी थी, बस क्या करें, सब कुछ अचानक ऐसे हो गया भाई। इसलिए बीच में व्लॉग वगैरह भी मैंने रोक रखा था, फिर अपलोड हुआ था, लेकिन मैंने वो डेट भाई उसमें शेड्यूल में पीछे कर रखी थी। तो इस वजह से यार देखो अच्छा भी नहीं लगता कि ऐसा इस तरह का माहौल, और तो नहीं दिल करता यार कुछ भी करने का। तो बस लेकिन ये है भाई, देखो अपने आप को समझा के यार देखो आगे तो बढ़ना है यार, काम तो रुकते नहीं है यार, काम तो हर कोई करता है। देखो तो यार उसके घर वाले भी इतने परेशान हैं यार, हम इतने परेशान हैं। तो यार सोचो उसके यार घर में सब छोटा था, इतना लाडला था वो, तो भाई भगवान की जैसी मर्जी थी, लेकिन जो भी मर्जी थी यार बहुत गलत मर्जी थी, बहुत ही बेकार मर्जी थी यार ये भगवान की, मतलब बहुत गलत हुआ यार। चलो चलते हैं भाई। अब क्या क्या सोचा था यार डिलीवरी को लेके, मतलब सारे यार अपने सारे भाई भाई अपने सारे इकट्ठे होंगे भाई, साथ में चलेंगे, मतलब साथ हम 6-7 जने जो हैं भाई, बिल्कुल भाई एक दूसरे के ना भाई दिल से कनेक्ट थे यार, दिल से लगे हुए हैं यार। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है भाई, कभी परेशान हो ना यार अपनी लाइफ में 4-5 दोस्त ना, तो एक दोस्त ऐसा बनाओ जिससे आप अपने दिल की कह सको। तो भाई हमारे भाई ने पता नहीं ऐसा कदम क्यों उठाया, हमसे कभी कोई जिक्र नहीं करा, हमने कभी आज तक उसे भाई परेशान नहीं देखा था, ना किसी टेंशन में देखा था। तो उसने क्या वजह थी उसकी ऐसी यार, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया भाई जीवन भर का यार, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक अफसोस है, क्योंकि भाई वो ऐसे भाई हमारे कभी नहीं भूल सकते भाई, कभी नहीं, कभी मतलब ऐसी यादें हैं भाई ऐसे ऐसे, मतलब 24 घंटे साथ रहना यार, साथ घूमना, साथ खाता खाना पीना, साथ बाहर जाना घूमने भाई, मौज मस्ती चिलफन लेना भाई, तो नहीं भूला जाता भाई ऐसे इंसान। तो भाई इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है भाई, एक बार अगर आप कभी ऐसा कदम उठाना, उठाने की मन में अगर आई भी ना भाई, सोचना भी मत, ये तो वैसे कभी भाई सोचना भी मत, अगर एक बार को 1% अगर आई भी ना भाई, तो अपने पीछे जो लोग हैं ना, आपके पीछे जो लोग हैं भाई, एक बार उनके उनका ख्याल कर लेना भाई। जाने वाला इंसान चले जाता है, उसके पीछे जो यार रोने वाले होते हैं ना, जो उसके चाहने वाले लोग होते हैं भाई, उनका बहुत बुरा हाल होता है भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो इसलिए भाई आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, कि आपके जो चाहने वाले हैं ना भाई, उनकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि इंसान चला जाएगा भाई, जैसा हमारा भाई चला गया, अब जहाँ भी होगा देख रहा होगा, लेकिन हम उसे तो महसूस नहीं कर पा रहे, हम उसे देख नहीं पा रहे कि वो कहाँ है, किस हालत में हमारे साथ है, हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, हमसे कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन हम नहीं सुन रहे। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ, बुरा हाल उनका होता जो उसके पीछे रोते हैं भाई, जो उसके चाहने वाले होते हैं भाई, नहीं रह पाते भाई, नहीं रह जाता। हमने भी काफ़ी भाई, हमें यकीन नहीं हो रहा था, हम जैसे तैसे भाई अर्थी वर्थी सामने कंधे पे लेके जा रहे हैं, और हरिद्वार जा रहे हैं भाई सिलाने, मतलब फूल वगैरह जो होते हैं भाई, तो यकीन ही नहीं होता भाई कि मतलब ऐसी उम्मीद ही नहीं थी भाई, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ कि ऐसा इतने ये करना पड़ेगा। चलो भाई जो हुआ भगवान की जैसी मर्जी थी भाई, हो गया। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, आप ऐसा कभी कदम मत उठाइएगा भाई। अपन आपके दिल में कभी कोई दिक्कत वाली बात, आपके दिल में कभी कोई परेशानी वाली बात हो, कोई दिक्कत वाली बात हो, तो भाई अपना एक भाई ऐसा बना लो, अपना एक यार ऐसा बना लो जिससे आप अपने दिल की कह सको। क्योंकि भाई आप अपने दिल की कहोगे ना, तो आपको हल्का महसूस होगा भाई, आपका दिल बहुत हल्का महसूस करेगा। हमारे भाई ने भाई हमसे नहीं कही, इस वजह से वो घुटता चला गया, उसके दिल पे बोझ बढ़ता चला गया, तो भाई उसने ऐसा कदम उठाया। तो मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई, कि ऐसा कदम आप कभी मत उठाना। आपके चाहने वाले भाई, आप तो चले जाओगे, आपके चाहने वाले नहीं रह पाएंगे भाई, बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई। काम वाम निपटाते हैं यार, क्योंकि देखो काम वाम भी करने पड़ेंगे। अब अगर हम ऐसे ही यार कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम ऐसे दुखी रहेंगे, तो भाई क्या काम चलेंगे यार, चल ही नहीं पाएंगे। तो भाई काम करने भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर, और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाते रहते हैं भाई, और
बने रहिएगा हमारे चैनल पर, अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई की अगर कोई गलती हो तो भाई हमें बताइएगा कि हम उसे सुधारेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, निपटाते हैं काम और फिर भाई चलते हैं घर पे। और गाड़ी की पीट भाई हम कर चुके हैं, गाड़ी ठीक है बढ़िया, अपना हमने सब चेक कर चुके हैं, तो चलें चलते हैं भाई। अभी फिलहाल आ चुके हैं घर पे, शाम को भाई अचानक आप बड़े पापा का फ़ोन आ गया था, तो भाई कपड़े वपड़े चेंज करके फिर एक प्रोग्राम में चला गया था उनके साथ। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। भाई वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भाई व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कोई गलती हो रही हो तो भाई हमें बताइएगा, हम उसे सुधारेंगे। तो भाई हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रिक्वेस्ट है भाई अपने भाई को प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए, आपके भाई को आपके प्यार एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं भाई, आप भी रेस्ट कीजिए, मैं भी रेस्ट करता हूँ, लेते हैं कल गाड़ी की डिलीवरी, दिखाता है आपको कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। तो चलिए भाई, आप भी रेस्ट कीजिए, मैं भी रेस्ट करता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।